नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपके कुशल मंगल के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज के जमाने में हर कोई दुखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार, मैं अपने दोस्त को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त पता नहीं मुझे चाहता है या नहीं चाहता, या आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको पसंद नहीं करता। दोस्तों, यकीन मानिए, आपका दोस्त आपके पीछे पागलों की तरह आएगा। आपको भी वो उतना ही प्यार करेगा जितना आप उसे करते हैं, या आप यूं कहें कि आपकी हिम्मत नहीं होती अपने प्यार का इजहार करने के लिए कि आप अपने दोस्त को बता सके कि आप उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दोस्तों, आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं एक बहुत ही अचूक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इस विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस विधि को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वशीकरण विधि को करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जैसे 100 ग्राम नमक, काला धागा और 7 नींबू इस तरह, और 6 बादाम। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नींबू लेनी है। उस नींबू पर आपको अपना नाम और उम्र लिखना है। इस तरह से आपको नींबू पर नाम और अपना उम्र लिखना है। अब आपको दूसरा नींबू लेना है, उस पर आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं या जिसे आप चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है या अपने उस दोस्त को जिसे आप पसंद करते हैं। दोस्तों, अब आपको सारे नींबुओं को इस तरह से रखना है और बीच में आपको उन दो नींबुओं को रखना है जिसमें आपका और आपके दोस्त का, मतलब जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लिखा हुआ नींबू अपने साथ इस तरह रखना है। फिर आपको बादाम लेना है। दोस्तों, दो बादाम को उन दो नींबुओं के बीच में रखना है इस तरह, बाकी बादाम को ऐसे साइड के नींबुओं के पास रखना है इस तरह। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 मीटर काला धागा लेना है। तो दोस्तों, दोनों नींबुओं के बीच में इस तरह से रख देना है, उसको धागे से इस तरह से बांध देना है, ऐसे बांध देना है आपको इस तरह से। अब आपको इस नींबू और बादाम को ऐसे रख देना है, इस तरह से आपको बांध देना है। अब आपको उस नमक के जरिए उस नींबू के आसपास इस तरह से घेर बनानी है। दोस्तों, ध्यान रहे, घेर बनाते समय आपको उस महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र का जाप करना है, और मंत्र को जाप करते समय आपको अपने उस व्यक्ति, मतलब जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिसके लिए ये वशीकरण विधि कर रहे हैं, उसको अपने मन में रखना जरूरी है। दोस्तों, इस तरह से आप मंत्र को पढ़ते हुए नमक का एक सर्कल नींबू के आसपास इस तरह से बना दीजिए। आपको मंत्र 251 बार जपना है। दोस्तों, देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये विधि करनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले इन चारों नींबुओं को उठानी है जो उसके आसपास में थी। अब इन चारों नींबुओं को एक पूरब की दिशा में, एक पश्चिम की दिशा में, एक उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में, शहर या गांव से थोड़ा दूर जाकर चारों दिशाओं में एक एक नींबू फेंक देनी है। और ध्यान रहे,
यह करते समय आपको कोई देख ना पाए। उसके बाद इस नींबू को आपको ले जाकर किसी सुनसान जगह पर 1 फीट गड्ढा खोदकर उसमें इसको दफना देना है। दोस्तों ध्यान रहे, इस नींबू को दफनाते समय आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और उस मंत्र को फिर से पढ़ना है और यह करते समय आपको कोई देख ना पाए। उसके बाद इस नींबू को आपको उसके घर के सामने दफनाना है और इन चारों बादामों को उन चारों नींबुओं के साथ उसी तरह चारों दिशाओं में फेंक देना है और इस नमक को ले जाकर किसी पानी में विसर्जित कर देना है। दोस्तों यकीन मानिए, वो 3 दिन के अंदर आपके पीछे पागलों की तरह भागती हुई आएगी और आपका दोस्त खुद सामने से आकर आपको अपने प्यार का इजहार करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह हमारा इतना शक्तिशाली अचूक वशीकरण मंत्र है जिसे हमारे गुरुजी ने सिद्ध किया है। तो दोस्तों यह विधि पूरी हो गई। अब अगर आपको कोई समस्या या दिक्कत इस वशीकरण विधि को करने में आ रही है तो आप हमारे नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह हमारे गुरुजी का नंबर है। आप अपनी किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई भी चीज आप हमारे गुरुजी से पूछ सकते हैं। हमारे गुरुजी आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों खुश रहें, कुशल मंगल रहें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।